हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे फैमिली में भी सब अच्छे हैं। और अभी तो मैं मायके में ही हूँ ना, आपको तो पता है मैं मायके आई हूँ। तो ये देखिए, हम जा रहे थे, मेरे मतलब हमारा यहाँ जहाँ हम हैं ना, वहीं है हमारे मामा जी का घर भी है। तो मामा जी का बेटी के बेट जो बहू का गोद भराई था, तो उसके लिए मैं आई थी। तो मेरे नाना जी भी है ना, तो मामा, तीन मामा हैं। मामा अलग अलग जगह पर रहते थे, जो गांव में अलग अलग जगह पर रह रहे हैं। तो ऊपर वाला जगह हमारे घर के पास है, मेरे एक मामा रहते हैं, और नीचे गांव के नीचे साइड ना, वहाँ है मेरे जो बड़े मामा और छोटे मामा। तो बड़े मामा के घर पास घर के पास नाना जी रह रहे हैं। तो मैं नहीं देखी थी उनकी, तो उनका तबीयत भी खराब था, तो मैं देखने के लिए जा रही थी मेरे माँ के साथ। देखिए, माँ, मैं माँ और मेरी बेटी। तो बेटी को बोली थोड़ा वीडियो बना, तो वीडियो बना रही है। तो हम निकले हैं, तो चलिए हम गांव को पूरा दिखाएंगे, और गांव के रहन सहन और गांव कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, मेरे साथ बने रहिए, आगे कंटिन्यू कीजिएगा। तो हम तो जा रहे थे, तो इधर एक है, एक मौसी बैठी है, देखिए, और उसके पास एक बिस्किट लेकर जा रही थी। ये तो गांव में ही है ना, गांव में जल्दी से कुछ नहीं मिलता है भाई। तो मैं जा रही थी, तो जो छोटा बच्चा है, और घर से तो लाई थी, लेकिन बच्चे के लिए बिस्किट वगैरह नहीं था, तो बिस्किट भी लेकर जा रही थी। तो ये देखिए, हम जा रहे थे, रास्ते का व्यू भी दिखा रही हूँ। मैं बेटी को बोल रही थी, हम इधर इधर ये देखिए, एक तूत तूत का पेड़ है, तूत कुली का पेड़ है। तो उसको मैं दिखा रही थी, ये देखिए छोटा छोटा तूत हुआ है, यहाँ हम आकर खाते थे। तो उसको दिखा रही थी बेटी को। तो ये देखिए, ये सागवान का पेड़ है, ये सब रास्ता रास्ते में जा रहे हैं। तो वही वगैरह मैं सब दिखा दिखा कर जा रही थी। तो ये देखिए, मामा जी के घर नज़दीक पहुँच गए हैं। तो दिखा रही थी, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे उसको बेटी को दिखा रही थी, उसको पता नहीं था ना, इसीलिए सब दिखा रही थी। और मेरे नाना जी भी अभी तक है, नाना जी का 100 से ऊपर हो गया है, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा तबीयत खराब था ना, जो उनका लूज मोशन हो गया था, इसी की वजह से मैं देखने के लिए नहीं आई थी। तो ये तो आई थी, तो उसी टाइम ही मैं दोनों काम करके चले जाऊंगी, और मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगी। और जो गोद भराई था, इसी के लिए मुझे मामा मामी ने बुलाई, तो आ गई, नहीं तो अभी नहीं आ पाती। क्या करूं, मैं भी घर छोड़ के भी तो नहीं आ पाती हूँ ना, इसीलिए एकदम से आई तो 2-3 दिन रुक कर मैं फिर से चला जाऊंगी। उधर भी तो मैं बिजी रहती हूँ, आपको पता है मेरे घर में। तो रास्ते में हम जा रहे थे, तो ये देख लीजिए, और मेरे साथ आप भी बने रहिए, आगे देख लीजिए। मेरे नाना जी को मैं दिखाऊंगी कैसा है, अभी उनका उम्र कितना है, वो आपको सब दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए, और वहाँ मैं मतलब आ रहे थे, तो मेरे छोटी मामी और बच्ची थे, तो उनको भी मैं उनके साथ भी थोड़ा बात करके, ये देखिए नाना जी बैठे हैं, तो हमारे साथ बैठकर बात कर रहे थे। ये नीचे बैठकर भजन कीर्तन वाला सब कर रहे थे, ये जो साधु संन्यासी जो कहते हैं हमारे यहाँ साधु, तो उसी टाइप का है कि कपड़े भी पहने हैं ना, इसीलिए वो शाम को हम 5:30-6 बजे हम निकले थे, वहाँ पहुँचे तो वो भजन कीर्तन कर रहे थे। और ये देखिए, मेरा मामा जी का बेटा और उसका बेटा भी, ये देखिए मामा जी का नाती, वो सब बैठे थे बाहर। और तो वहाँ हम चले आए, उसके बाद ये देखिए मेरे भतीजी मैगी बना रही थी। और अगले दिन सुबह का ये वीडियो है, इधर एक
आम का पेड़ है, मायके में ही है, आम का पेड़ है, तो पेड़ से आम तोड़ रहे थे, तो मैं वो दिखा रही थी। देखिए जो जूम करके, ये एक फूल है वाइट वाइट कलर का, बहुत अच्छा फूल है। मुझे सुबह, अगले दिन सुबह मैं फूल लाने जा रही थी, तोड़ने के लिए जा रही थी, तो उसका व्यू भी थोड़ा बना दी हूँ। ये देखिए आम को एक डंडे से निकाल रहे थे, इतना ऊपर है ना, एक बांस के डंडे से निकाल रहे थे, मेरी माँ निकाल रही थी। और तो ये देखिए और भी है, ये देखिए मेरे एक नानी है, तो मैं उसके बाद नहा लिया, नहाने के बाद ही आप लोग के साथ मैं बात कर रही थी। तो पूरा घर का भी व्यू आपको शायद मैं नहीं दिखाई। और चलिए आगे और भी है, मैं दिखाती हूँ। और मायके आई हूँ तो मतलब मुझे कुकिंग जो खाना बनाना है वो तो नहीं, वो तो भाभी बना रही है, तो मैं क्या बनाऊँ। और उसके बाद हम क्या करें ना, खाना खा रहे थे बाहर बैठ कर ही, मेरी माँ उधर खा रही थी, मैं इधर खा रही थी, हम बैठ कर ही खा रहे थे, तो हम खा रहे थे। चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।